बारिश का सीजन हो गया है। अगर आपके यहाँ बाग बगीचे हैं, बस फिर देखिए अरबी के बढ़िया से पत्ते आपके यहाँ तैयार हो जाएंगे। ये पत्ते हमारी आंखों को इतनी ठंडक देते हैं, इतना प्यार आता है, बड़ा मजा आता है। तो मेरे यहाँ तो भाई बगीचा नहीं है, मैंने तो मार्केट से लिए ये पत्ते और मैं आज मसाला किचन में बना रही हूँ इसकी बढ़िया सी रेसिपी। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। तो चलिए, मैंने यहाँ पर बड़े बड़े पत्ते ले लिए, पत्तों को वॉश कर लिया है, उसके बाद पोंछ लिया है, उसके बाद इसका डंठल मैं इस तरीके से काटूंगी जैसे धीरे धीरे उसकी नसें काटते हैं। नसें जब हम काट देते हैं ना इसकी मोटी मोटी, तो ये कभी भी गले में आपको नहीं लगता। उसके लिए आपको शार्प नाइफ लेना है और बस इस तरीके से कट करना है। कट सारे मैंने कर लिए इनकी मोटी मोटी नसें। अब एक काम और करना है, पत्तों के ऊपर हल्का सा बेलन घुमाना है। बेलन या बेलनी जिससे आप रोटी पकाते हो ना, बस ऐसे इसको दबा दीजिए। इससे क्या होगा, हल्की सी आपको आवाज आएगी, नसें जो मोटी मोटी भरी हुई है ना पानी से, वो पानी बिल्कुल निकल जाएगा। सारे पत्तों को मैं इसी तरीके से तैयार कर देती हूँ, फिर हम बनाते हैं इसकी रेसिपी। कुछ फट भी जाते हैं ये पत्ते तो कोई बात नहीं, हम यूज करेंगे। यहाँ लिया मैंने 2 कप बेसन, जिसे मैंने एक बड़े कटोरे में छाना है। जी हाँ, लगेगा बेसन क्योंकि काफी सारा लगता है इसमें मिश्रण। 1/2 कप मैंने डाल दिया चावल का आटा। चावल का आटा डालने से टेस्टी बहुत बनते हैं। अब यहाँ लिया मैंने एक मिक्सी का जार, इसमें मैंने 2 से 3 इंच करीब अदरक लिया। इसमें जितने आप अच्छे मसाले डालोगे उतना ये स्नैक्स टेस्टी बनने वाला है। इसमें 3-4 हरी मिर्चें डाल दो मिक्सी के जार में, 8-10 कली लहसुन डाल दीजिए और इन सबको ग्राइंड कर लीजिए। इन केस आप लहसुन नहीं खाते हो, सावन का महीना शुरू हो रहा है, तो आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हो। इसमें थोड़ा पानी डाल के इसका पतला पेस्ट ग्राइंड कर लीजिए। अगर छोटे छोटे मोटे पार्ट हैं तो उन्हें आप बिल्कुल न डालें इस बेसन में, बस ये लहसुन हरी मिर्च और अदरक का पानी डाल दीजिए इस बेसन के अंदर। इसमें डाल दीजिए 1/2 चम्मच हींग, 1 चम्मच भर के सफेद तिल, 1 चम्मच मैंने अजवाइन हाथों से क्रश करके इसमें डाल रही हूँ, नमक स्वाद अनुसार या 1 से 1.5 चम्मच ले सकते हैं आप, 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसमें डाल दीजिए 3 टेबलस्पून के आसपास इमली और गुड़ की चटनी, अक्सर हमारे घर में बनी रहती है वो डाल दीजिए। वो नहीं है तो इमली और गुड़ को अलग अलग भी आप डाल सकते हैं। और इसमें 2 टेबलस्पून भर के गरम करके ऑयल डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून डाल दीजिए बेकिंग सोडा। इन सारे मसालों को, इस मिश्रण को मिक्स कीजिए और पानी डालें तो बहुत धीरे धीरे डालें। गाढ़ा पेस्ट चाहिए, बिल्कुल पतला नहीं चाहिए, पकोड़े जैसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा गाढ़ा पेस्ट चाहिए जो इन पत्तों पर चिपक सके। जरूर इसका एंजॉय कीजिए। ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें ऐसी ऐसी चीजें सीजन के अकॉर्डिंग दी हैं जो हमें हमेशा खानी चाहिए। ये देखिए, गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया। अब इसे बनाने का तरीका देख लीजिए। कोई भी ट्रे या थाली ले लीजिए या स्लैब को साफ कर लीजिए। अब पत्ते को उल्टा कीजिए, जो डार्क ग्रीन कलर है उसे नीचे रखिए, जो लाइट कलर का है वहाँ पर इस तरीके से स्प्रेड कीजिए इसी मिश्रण को। सब तरफ से करिए जितना आप स्प्रेड कर पाए, जिससे क्या है ना, ये टेस्टी बहुत बने नाश्ता। ये गुजरात में भी बनाया जाता है, महाराष्ट्र में भी बनाया जाता है, तो हम सब क्यों ना बनाएं, हमें भी वो सारी रेसिपी खानी चाहिए। अब देखिए, एक ओवरलैप करा है मैंने तीसरा भी पत्ता। अब जो चौथा पत्ता ले रही हूँ उसे पहले पत्ते के ऊपर रख रही हूँ, लेकिन मैंने उसकी दिशा बदल दी है, जिससे क्या हो, हम फोल्ड करें तो हमें दिक्कत ना आए। पहले रख के देख लीजिए, फिर आप एक एक करके बेसन लगाते जाइए। और ये देख रहे हैं ना आप, जो डार्क ग्रीन कलर है ना वो हमें नीचे की तरफ रखना है, जो लाइट कलर है उस पर ही हमें बेसन लगाते जाना है। ये छोटी सी ट्रिक होती है, मतलब ओवरलैप तो सभी करते हैं पत्तों को, सबको पता होता है, लेकिन जो बिगनर्स है ना उनको ये नहीं पता होता कि हमारी नानी दादी कैसे उन पत्तों को अरेंज कर लेती थी जिससे एक हम रोल बना सकें। ये देखिए, अब आपको थोड़ा सा पतला लग रहा है तो आप एक बीच में और भी रख सकते हैं।
अब आप धीरे टाइट लेके इस रोल को ऐसे कस के बांधते जाइए। जरूरत लगे तो आप थोड़ा थोड़ा बेसन लगाइए, साइडों से भी फोल्ड कर दीजिए। अब अगर हमने उसको बेलन नहीं चलाया होता ना, तो हमारे इस तरीके से फोल्ड नहीं हो सकते थे। बढ़िया टाइट रोल बनकर तैयार हो गया है। अब ऊपर से आप चाहें तो हल्का हल्का बेसन लगाएं। अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो बेसन ज्यादा लगाएं, अगर डीप फ्राई नहीं करना है तो आप ऐसे भी रख सकते हो। इसी तरीके से मैं सारे रोल तैयार कर देती हूँ। अब चलते हैं ना स्टीम करने के लिए। स्टीमर ले सकते हैं, उस प्लेट पर आप थोड़ा ऑयल लगाकर स्टीम कर सकते हैं। बस इसमें स्टीम कर दीजिए 2-3, जैसे मुझे क्या चाहिए। अभी मैं 2 कर रही हूँ, तीसरे को मैं इस तरीके से थोड़ा बेसन लगा के फ्रिज में रख दे रही हूँ। जब भी मुझे मन करेगा फिर से मैं स्टीम कर दूंगी, या मन किया तो इसे कट करके मैं फ्राई भी कर दूंगी डायरेक्ट बिना स्टीम दिए। ये सारी चॉइस आपकी है। सारा बेसन लगभग इसमें लग चुका है और इसे मैं जब स्टीम कर रही हूँ तो फुल फ्लेम पे मैं 10 से 12 मिनट इसे स्टीम कर रही हूँ। जब मैं कोई टूथपिक से चेक करूँ ये क्लीन आए, मतलब ये स्टीम हो गया है। अगर आपको लगे कि गीला आ रहा है, मतलब अंदर बेसन थोड़ा गीला है, तो आप उसे थोड़ा और स्टीम दे सकते हैं। चलिए अब हमने स्टीमर से निकाल दिया है, अब इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। ठंडा करके हम कट करेंगे। अब मैं आपको लेयर दिखाऊंगी, कितने बढ़िया इसके लेयर आए हैं, कितना बढ़िया ये तैयार हो गया है। अब चलते हैं ना शैलो फ्राई करने। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें 2 चम्मच मैं ऑयल डाल रही हूँ। इसमें 1/2 चम्मच राई, थोड़ा सा जीरा, थोड़े से करी लीव्स जिसे मीठी नीम भी कहते हैं, 1/2 चम्मच डाल दिया मैंने सफ़ेद तिल, और हींग भी डाल सकते हैं आप। अब साइडों से ये रोल रखते जाइए, मीडियम फ्लेम पर इन्हें सेकते जाइए। ये बहुत ही बढ़िया नाश्ता शाम का जब बनाएंगे चाय के साथ तो बहुत ही पसंद करेंगे। जब एक तरफ से सिक जाएं, तब आप धीरे धीरे उसे पलट लीजिए। एक और बात मजे की इस स्नैक्स में, हम ना इसे जैसे स्टीम करने के बाद, स्लाइस करने के बाद थोड़ा सा ऑयल लगा के बेक भी कर सकते हैं। आप इसमें चावल का आटा डालते हो कि नहीं, आप गुड़ इमली पसंद करते हो कि नहीं, आप थोड़ा नींबू का रस भी डाल सकते हो। कैसा लगा आपको ये स्नैक्स मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। लीजिए तैयार है, ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर दीजिए डेसिक्रेटेड कोकोनट की, जो कि बहुत ही मजेदार लगेगा। बहुत ही बढ़िया रोस्ट हो गए। इसे हरी चटनी या टमेटो केचप के साथ इस तरीके से सर्व कीजिए कि आज की शाम मजेदार बन जाए। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल पर अगर नए आए हैं सब्सक्राइब करने की कंजूसी बिल्कुल ना करें।